हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को सेट कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे स्टेटस बार आइकन्स को शो कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन में, और इसका आप यूज़ भी कैसे कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, तो सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है जहाँ से आप स्टेटस और आइकन सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। तो आपकी सेटिंग्स से ओपन हो गई है, फिर आपको यहाँ से जाना है नोटिफिकेशंस में, जहाँ से आप स्टेटस बार सेटिंग एंड डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। सिंपली इस पे जाना है, थोड़ी बैक करना है, एडवांस सेटिंग्स पे जाना है जहाँ से स्टेटस बार सेटिंग शो हो जाएगी। आप आइकन्स को हाइड कर सकते हैं, टैप करते ही आइकन हाइड हो जाएंगे स्टेटस बार पे, एंड आप आइकन्स को शो भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन आइकन आपके स्टेटस बार पे शो हो जाएगा जिसको आप देख सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि बैटरी परसेंटेज को भी ऑफ कर सकते हैं स्टेटस बार से, यहाँ से ऑफ हो जाता है, एंड ऑन करते हैं तो 62% आपके स्टेटस बार पे शो हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं, और साथ में नोटिफिकेशन हिस्ट्री को आप ऑन करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो